नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हीरा देवी और हीरा देवी कुमावत किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुजिया, चटपटा गुजिया बनाएंगे, मसाले वाले बनाएंगे हम, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बारिश के टाइम में ऐसा बनाकर खाए तो और भी टेस्टी होता है। बारिश के टाइम में चटपटा खाने के लिए कुछ मिल जाए तो बात ही और ही होती है। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने लिया है मैदा 1/2 किलो, अच्छा सा छान कर लेना है। 1 चम्मच नमक डाल देंगे, नमक आप अपने अनुसार डाल दीजिएगा। थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, हल्दी से बहुत अच्छा कलर आएगा। अब हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे, 2 चम्मच ऑयल। ऑयल आप कौन सा भी ले लीजिएगा, जो रेगुलर यूज कर रहे हैं वही ले लीजिए। अब हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ऑयल को हल्दी को अच्छा सा मिक्स कर लेना है। देखिए अच्छा सा मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा सा डो लगा लेना है। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा। आटा हमें सॉफ्ट लगाना है, नहीं तो ज़्यादा गट रखना है और ना ही हमें गीला रखना है, एकदम मीडियम आटा लगाना है। देखिए दोस्तों मैंने आटा लगा लिया है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे। आटा भी सेट हो रहा है जब तक हम मसाला बनाएंगे। अब हम सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे, कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे। तीन चम्मच ऑयल डाल देंगे, ऑयल को अच्छा सा गर्म होने देना है। ऑयल गर्म होने के बाद 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे, 1/2 चम्मच राई, थोड़ा सा हींग डाल देंगे। जीरा और राई चटकने के बाद 2 हरा मिर्ची डाल देंगे बारीक कट करे सो। मिर्ची को थोड़ी देर फ्राई करेंगे। मिर्ची फ्राई करने के बाद 3 प्याज डाल देंगे बारीक कट करे सो। प्याज को भी अच्छा मिक्स करेंगे और पकाएंगे 1 मिनट। गैस की आंच मीडियम रखना है, इसी तरह चलाते हुए पका लेना है। 1 मिनट पकाने के बाद देखिए प्याज भी पक गया है। अब हम इसके अंदर सूखा मसाला ऐड कर देंगे। एक चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, मिर्ची आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक, नमक आप अपने अनुसार डाल दीजिएगा। अब हम मसाले को भी अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर पकाएंगे इसी तरह चलाते हुए। थोड़ी देर मसाले को पकाने के बाद अब हम इसके अंदर इमली का पानी डाल देंगे। देखिए 10 ग्राम इमली का पानी है, आप चाहो तो नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू साल्ट भी डाल सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो डाल दीजिएगा। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर और पकाएंगे मसाले को।
देखिए मसाले को थोड़ी देर पकाने के बाद अब हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। मैंने आधा किलो आलू लिए हैं जो अच्छा सा बॉईल करके छील के मैच कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे आलू को भी। आलू को अच्छा सा मिक्स करने के बाद हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया को भी अच्छा सा मिक्स कर लेना है। देखिए मसाला बनकर रेडी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और मसाले को ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए आटा भी सेट हो गया है। अब हम इसका लोई बना लेंगे। इस तरह छोटी सी लोई बना लेनी है, एक नींबू की साइज की जैसी। मैंने सूखा आटा लिया है बाजू में। अच्छा सा गिरी बना लेंगे। अब हम इसको एक पूड़ी की साइज जैसा बेल लेंगे। देखिए इतना बेल लेना है। देखिए अब हम इस तरह का एक हंसा ले लेंगे। इसके ऊपर ये पूड़ी रख देंगे। मसाला डाल देंगे अंदर। देखिए इस तरह अब हम कर देना है। मसाला फिर से बाहर निकाल लेना है। देखिए अच्छा सा डिजाइन भी पड़ जाएगी। इस तरह हाथ से दबाकर अच्छा सा चिपका लेना है। ऐसा करने से मसाला बाहर नहीं आएगा और अच्छा से सेट रहेगा। देखिए अब हम इसको बाजू में रख देंगे। इस तरह दूसरा भी बनाएंगे। अब हम अच्छा सा गिरी बना लेंगे। देखिए अब हम फिर से इसको एक पूड़ी की तरह बेलेंगे। पतला बेलना है। ज्यादा मोटा नहीं बेलना है। देखिए अच्छा सा बेल लिया है। अब हम फिर से इसको इसके हंसे के ऊपर रख देंगे। मसाला डाल देंगे। अब हम फिर से इसको बंद कर देंगे इस तरह। ये आटा भी हम बाहर निकाल लेंगे।
देखिए अच्छा सा डिजाइन भी बन जाएगी। देखिए इस तरह बना लेना है। यदि आपके पास ऐसा हंसा नहीं है तो हम दूसरा तरह से बनाएंगे। देखिए फिर से लोई बना लेंगे। अब हम अच्छा सा घेरी बना लेंगे। देखिए सूखा आटा लगा लेना है। सूखा आटा लगाने से चिपकेगा नहीं। देखिए अच्छा सा पूड़ी की तरह बेल लेना है। बेलने के बाद अब हम इसके ऊपर मसाला डाल देंगे। देखिए अब हम इस तरह कर लेंगे। ऐसा एक चम्मच की सहायता से देखिए इस तरह कर लेना है। ऐसा करने से अच्छा सा चिपक जाएगा और देखिए कितना अच्छा डिजाइन भी बन जाएगी। देखिए कितना अच्छा बना है। आपको जैसा सरल लगे वैसा बना लीजिएगा। देखिए ऐसा हंसा आपको कहीं भी प्लास्टिक की शॉप में मिल जाएगा। ज़्यादा नहीं है इसका, 10 रुपये में मिल जाएगा। देखिए इस तरह मसाला अच्छा सा भर के इस तरह दबा देना है। जो बचा हुआ आटा रहता है उसको बाहर निकाल लेना है। देखिए कितना अच्छा डिजाइन आता है। देखिए इस तरह पूरा बना लेना है। देखिए दोस्तों मैंने पूरा गुजिया बना लिया है। अब हम सबको बाजू में रख देंगे। अब हम सबसे पहले कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे। देखिए दोस्तों ऑयल भी गर्म हो गए हैं। आप इस तरह ऊपर हाथ रख के देख सकते हैं हल्का सा हीट आ रहा है। तो ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर गुजिया डाल देंगे। गैस की आंच मीडियम रखना है। देखिए हल्के हाथ से इस तरह थोड़ा सा चला लीजिएगा। इसको पलटते रहना है। इस तरह पलट कर सेकते रहना है। हल्का सा ब्राउन कलर होने तक इसको पकाना है। देखिए दोस्तों हल्का सा ब्राउन कलर हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इस तरह हम दूसरा भी तल लेंगे। इसको पलटते रहना है इधर दोनों साइड पर। देखिए दोस्तों ये भी गोल्डन कलर होकर रेडी है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे।
देखिए इस तरह पूरा बना लेना है। देखिए दोस्तों मैंने पूरा गुजिया बना लिया है, देखिए कितना अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा है। देखिए देखिए कितना अच्छा है, खाने में तो नाजवाब है। आप भी इसी तरह एक बार ज़रूर बनाएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे, ज़रूर बनेगा। मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।